दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एमएस वर्ड 2007 में हम आईडी कार्ड कैसे बनाते हैं या फिर एम्प्लॉय कार्ड कैसे बनाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे पेज लेआउट टैब में और सबसे पहले इस पेज का सेटअप करेंगे। तो इस पेज की हम साइज, एक आईडी कार्ड की जो साइज होती है वही साइज देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पेज लेआउट टैब में आ चुका हूँ और यहाँ पर हम अपने पेज का ओरिएंटेशन में लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे। लैंडस्केप सेलेक्ट करने के बाद हमको साइज ऑप्शन पे क्लिक करना है, नीचे आना है, मोर साइज पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर विथ में हम और यहाँ पर हम अपनी जो विथ है उसकी साइज डालेंगे 3.38 इंच और हाइट में यहाँ पे डालेंगे हम 2.13 इंच और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। तो हमारी जो साइज है पेज की वो लैंडस्केप में आई है, लेकिन हम जो आईडी कार्ड बनाएंगे वो बनाएंगे पोर्ट्रेट साइज में। तो पोर्ट्रेट के लिए हमको ओरिएंटेशन पर फिर से क्लिक करना है और उसके बाद पोर्ट्रेट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट साइज यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद मैं इस पेज का बॉर्डर अप्लाई करूँगा। तो पेज लेआउट टैब में पेज बॉर्डर पर जाऊँगा, यहाँ से बॉक्स सेलेक्ट करूँगा, इसके बाद यहाँ पर 3PT सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से ऐसे 3PT और ऑप्शन पर जाऊँगा और यहाँ से सभी में 00 कर दूंगा, 0000। इसके बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दूंगा, ओके पे क्लिक करूँगा, यहाँ से ओके कर दूंगा। तो मेरा जो बॉर्डर है वो कुछ इस तरह से अप्लाई हो चुका है। इसके बाद मैं एक शेप लूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, शेप में जाऊँगा, यहाँ से मैं ट्रायंगल शेप में ये ले लेता हूँ और यहाँ से इसको इस तरह से ड्रॉ करूँगा। ड्रॉ करने के बाद इसको मैं एडजस्ट करूँगा, नीचे लेके आऊँगा और इसको मैं रोटेट कर लूँगा कुछ ऐसे। रोटेट करने के बाद इसको मैं ऊपर एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ से इसको कुछ ऐसे छोटा करेंगे, उसके बाद यहाँ से इसको कुछ इस तरह से बड़ा करेंगे, इस तरह से एडजस्ट करना है और इसको लेफ्ट राइट एरो की से इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद हम एक टेक्स्ट ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए इंसर्ट में, शेप में, यहाँ से ये टेक्स्ट बॉक्स लिया और इसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर मैं अपनी संस्था का नाम टाइप कर दूँगा, होम में जाऊंगा, सेंटर पर क्लिक करूंगा, कर्सर सेंटर में आ गया एंड यहां से मैं फॉन्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं और यहां से मैं टाइप कर दूंगा अपनी संस्था का नाम। मैं एक स्कूल के लिए ये आईडी कार्ड बना रहा हूं। इसको मैं यहां से कंट्रोल ए करूंगा, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेता हूँ यहाँ से मैं। तो मैंने ये इसका फॉन्ट है वो यहाँ से चेंज कर लिया है और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और फॉन्ट साइज बढ़ा लूँगा। इसके बाद इसको मैं यहाँ से बोल्ड भी कर लूँगा एंड यहाँ पर अब मैं इस जो ये टेक्स्ट बॉक्स है इसको एडजस्ट करूँगा लेफ्ट राइट एरो की से, अप डाउन लेफ्ट राइट एरो की से इसको ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ये जो आउटलाइन है इस टेक्स्ट बॉक्स की, इसको मैं हाइड करूँगा। फॉर्मेट में जाऊँगा, सेफ आउटलाइन, नो आउटलाइन, सेफ फिल में जाऊँगा, नो फिल। टेक्स्ट बॉक्स और लेंगे और उसमें हम इस संस्था का एड्रेस टाइप करेंगे। तो इसके लिए सिंपल हम जाएंगे यहाँ पर इंसर्ट में, सेफ में, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए आप, ये रहा, क्लिक करेंगे, ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर मैं इसका एड्रेस टाइप कर देता हूँ। होम टैब में जाऊँगा, साइज छोटा करूँगा और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा इसका एड्रेस। यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट करूँगा ऊपर की तरफ ऐसे और यहाँ पर मैं इसका जो एड्रेस है वो टाइप कर देता हूँ। तो मैंने इसका यहाँ पर फाइनली एड्रेस है वो टाइप कर दिया है और मैं इसको एकदम एडजस्ट कर लेता हूँ सेंटर में कुछ ऐसे। इसको ऑल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से बोल्ड करूँगा और इसका स्टाइल है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो मैं इसका स्टाइल यहाँ से चेंज करूँगा। अभी इसके ऊपर कलर फिल है तो हम इसको नो कलर फिल करेंगे। तो इसको सेलेक्ट रखना है टेक्स्ट बॉक्स को, फॉर्मेट पे जाएंगे, सेफ फिल, नो फिल एंड यहाँ से सेफ आउटलाइन, नो आउटलाइन। तो इस तरह से हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। इसके बाद हम एक शेप लेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, यहाँ से राउंडेड ओवल वाला शेप ले लेता हूँ। इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर मैं एक फ़ोटो इंसर्ट करूँगा तो मैं इसको एकदम से सेंटर में एडजस्ट कर लेता हूँ, एकदम बराबर सेंटर में। इसके बाद यहाँ पर मैं एक इमेज लगाऊँगा स्टूडेंट की। तो यहाँ पर ये जो शेप है ये सेलेक्ट होनी चाहिए आपकी ऐसे, देखिए ऐसे सेलेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर फॉर्मेट टैब आ जाएगा, यहाँ पर सेफ फिल में जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे, जहाँ पर भी आपकी पिक्चर है वहाँ से आप ले लीजिए। तो मेरी पिक्चर ये है, उठाया, यहाँ पे आ चुकी है। इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा पिक्चर को। इसके बाद मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, सेप आउट, सेप ऑप्शन पे जाऊँगा एंड यहाँ से टेक्स्ट लिया और इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगा। अब यहाँ पर मैं सभी डिटेल्स डालूँगा स्टूडेंट की। तो यहाँ पर नेम वगैरह वगैरह जो भी है सब कुछ यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ से मैं होम टाइम में जाऊँगा,
और यहाँ से मैं इसका फॉन्ट साइज है वो छोटा करूँगा। एंड यहाँ पर मैं जाऊँगा लाइनिंग स्पेसिंग ऑप्शन में, एंड यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक करूँगा पहले ही। तो यहाँ पर मैं इसकी जो डिटेल्स है वो टाइप कर देता हूँ, डैश टैब प्रेस करना है दो बार, यहाँ पर इसका नाम टाइप कर देना है, इसको हम एडजस्ट करेंगे यहाँ तक कुछ ऐसे। इसके बाद एंटर प्रेस करना है, यहाँ पर इसका फादर्स नेम टाइप करना है, तो फ्रेंड्स आपको जितने भी डिटेल्स यहाँ पर टाइप करनी है आप टाइप कर सकते हैं। तो मैंने इतना यहाँ पर टाइप किया। इसके बाद ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसको मैं हाइड कर दूंगा, सेलेक्ट रखूंगा टेक्स्ट बॉक्स को एंड यहाँ पे जाऊंगा फॉर्मेट में और यहाँ से नो फिल, और यहाँ से इसको नो फिल कर देता हूँ, नो आउटलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसके बाद हम एक टेक्स्ट बॉक्स और लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे। ड्रॉ करने के बाद फिर से हम जाएंगे होम टैब में, यहाँ से साइज को थोड़ा सा कम करेंगे और यहाँ पर हम इसको सेंटर में रखेंगे और यहाँ से इसका जो स्पेस आफ्टर पैराग्राफ मतलब स्पेस है इसको कम करेंगे, यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे प्रिंसिपल के सिग्नेचर, इंटर प्रेस करेंगे, इस तरह से टाइप कर दीजिए। अब मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लूँगा, बोल्ड ये हो गया। यहाँ से आप फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। अब हम इसकी ये जो शेप आउटलाइन है इसको हम हाइड करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल नो फिल, शेप आउटलाइन नो आउटलाइन। इसके बाद हम एक टेक्स्ट बॉक्स और लेंगे, फिर से जाएंगे टेक्स्ट ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दिया मैंने कुछ ऐसे। ड्रॉ करने के बाद हम इसको फिर से इसका फॉन्ट वगैरह है वो कम करेंगे, तो यहाँ से मैं कम कर लेता हूँ कुछ इस तरह से और यहाँ पर मैं टाइप कर दूँगा इस संस्था का फ़ोन नंबर, जीमेल, वेबसाइट जो भी है वो आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इसका फ़ोन नंबर टाइप कर देता हूँ, जो भी अननाउन इस तरह से। इसके बाद मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगा, यहाँ से इसका साइज और कम करूँगा एंड यहाँ पर इसको मैं ये जो साइज है यहाँ तक इस तरह से बढ़ा लेना है और अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे सलाह दूंगा कि आप ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये जो हमारा टेक्स्ट है, इसमें इसको सेंटर में ही रखना है टेक्स्ट को। तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे ये सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर मैं सेंटर में कर लेता हूँ और इसको हम यहाँ से कुछ ऐसे एडजस्ट करेंगे ऐसे। ये एडजस्ट हो चुकी है, इसको यहाँ से हम बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड करने के बाद यहाँ से हम इसको कुछ ऐसे एडजस्ट कर देंगे नीचे की तरफ, इतना हमने कर लिया। इसके बाद ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको इस तरह सेलेक्ट रखना है और यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से कोई भी कलर दे दीजिए जो भी आपको पसंद है। तो मैंने एक कलर दे दिया, यहाँ पर कुछ अलग अलग तरह के कलर फिल करेंगे। तो ये जो हमारी शेप है ट्रायंगल वाली इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फॉर्मेट टाइप में जाएंगे, शेप फिल में जाएंगे, ग्रेडियंट्स में जाएंगे और यहाँ से जो भी आपको पसंद है वो ग्रेडियंट्स कलर आप ले सकते हो। मोर ग्रेडियंट्स पर क्लिक करूँगा, मोर ग्रेडियंट्स, तो यहाँ पर और भी आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं कलर्स की, किस तरह से आप रखना चाहते हो। टू कलर पर क्लिक करेंगे, दो कलर आप यहाँ से कोई भी ले सकते हो कुछ ऐसे, जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। तो मैंने ये सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से हमारा ये शेप नज़र आएगा। अब यहाँ पर आप इसको वाइट कलर करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर वाइट कलर सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से वाइट कलर एंड यहाँ से मैं इसको भी वाइट कर देता हूँ, अरे यार वाइट। तो दोस्तों इसके बाद हम हमारे ये जो पेज है इसके ऊपर कलर फिल करेंगे, तो उसके लिए मैं जाऊंगा पेज लेआउट टैब में, पेज कलर ऑप्शन एंड यहाँ से काफ़ी सारे कलर्स दिए गए हैं, कोई भी एक कलर आप ले सकते हो जो आपको पसंद है। तो मैं यहाँ पर फिल इफ़ेक्ट्स में जाऊंगा एंड यहाँ से टू कलर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर कुछ अजीब सा मैं कलर लूँगा ग्रेडियंट कलर में, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कुछ ऐसा यहाँ पर कलर लिया है, अब इस कलर को मैं यहाँ पर फिल कर सकता हूँ, ओके पे क्लिक करूँगा, तो ये कुछ इस तरह से कलर फिल हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसको आप एडजस्ट कर लीजिए अपने इस फोटो इमेज शेप वगैरह जो भी है सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया ही होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ हम आपको लाते रहेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।